हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि अंतरिम सरकार। ये कब बनी थी? 1946 में बनी थी। हमने पढ़ा है प्रीवियस दो तीन वीडियोस पहले, हमने जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था पहले ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए, जब वहाँ पे पीएम चेंज हुआ, सरकार चेंज हुई, तो उन्होंने पहला काम इंडिया में किया इलेक्शंस करवाने का। ठीक है, वो कब हुए थे? December 1945 एंड January 1946 के बीच में। तो अब इस टाइम पर अंतरिम सरकार बनती है 1946 में। अब ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है, ये कैबिनेट मिशन प्लान पे फोकस था। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर्स डिसाइड किए गए थे कि 14 मेंबर्स होंगे। ठीक है, उनको भी डिवाइड किया था फर्दर कि कौन कैसे नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे कि पहले अगर हम 6 मेंबर्स की बात करें, नॉमिनेशन बाय INC, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो नॉमिनेट करेगी इन 6 मेंबर्स को, इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट लोग भी इसी में आएंगे। ठीक है, 5 की बात करें तो नॉमिनेशन बाय मुस्लिम लीग, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब जो मुस्लिम लीग है वो नॉमिनेट करेगी 5 मेंबर्स को। अब बच गए 3, 3 है माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब माइनॉरिटीज़ होंगे ये 3 एंड नॉमिनेटेड बाय वाइसराय, मतलब जो वाइसराय होंगे वो इन्हें नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियोज़। अब ये डिसाइड किया गया कि जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट एक बार बन जाएगी, सब जो है अपने नॉमिनीज के नाम सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद पोर्टफोलियोज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये भी डिसाइड किया गया कि जो दो मेन पार्टीज़ हैं कौन कौन सी, मुस्लिम लीग एंड INC, इन्हीं दो का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा ही अलग से अपनी कंट्री यानी पाकिस्तान चाहते थे। तो इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ दिए जाने पड़ेंगे, वो भी बिल्कुल इक्वल। ठीक है, अदरवाइज इनमें फिर से डिस्प्यूट हो जाना था। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इक्वली देने थे। फिर आता है फाइनली फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। फाइनली इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी? 2 सितंबर 1946 को बनी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट उस टाइम पर डिसाइड किए गए थे वाइसराय, और वाइस प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग डिडंट ज्वाइन इट इनिशियली बट लेटर ज्वाइंट इट। मुस्लिम लीग ने इनिशियली से बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल पसंद नहीं किया, बट बाद में लॉर्ड वेवल के एफर्ट्स की वजह से उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया। मतलब जो मुस्लिम्स थे ना, मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स ने इसे ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस का क्या कंसेप्ट रहता है। इलेक्शंस हुए July 1946 में। ठीक है, डिसाइड किया गया था कि जैन 1946 और December 1945, इस मतलब दिसंबर जैन के बीच में होंगे, बट थोड़े से डिले हो गए थे, July 1946 में हुए थे। टोटल 296 सीटें थी, जिसमें से 208 मिली INC को, 73 मिली मुस्लिम लीग को। मतलब 208 में जीते INC और 73 पे जीते मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग को यहाँ पे डाउट हो गया कि INC तो बहुत सीटें जीत गई, ये हमारा पाकिस्तान बनने का सपना फिर से ठप कर देंगे। सो जिन्ना थॉट दैट INC वुड एनहांस द पावर्स ऑफ यूनियन सेंटर। अब मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम है, अब उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि INC अब क्या करेगा, INC के पास तो ज़्यादा सीट्स आ गई, मतलब जो यूनियन यानी जो सेंटर है उसकी पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा और ज़्यादा एनहांस कर देगा। और आपको पता ही है जिन्ना तो हर चीज़ को रिजेक्ट ही करता आया शुरू से। तो हेंस ही रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स, ये SAS है। तो अब क्या किया उन्होंने, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट भी एक तरह से बेस तो कैबिनेट मिशन प्लान के प्रोविजंस पे ही थी, है ना। एंड इट रिजॉल्व्ड टू डायरेक्ट एक्शन ऑन August 16, 1946। अब इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया 16 अगस्त 1946 को। डायरेक्ट एक्शन क्या है, ये तो अपने आप में एक टॉपिक है। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, स्वदेशी मूवमेंट है, वैसे डायरेक्ट एक्शन भी एक अलग से टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इन्होंने जो है वायलेंस शो कर दी थी, हिंसा शो कर दी थी, और कुछ भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को कलकत्ता में मार दिया था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था, इसे ब्लैक डे भी कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी फेमस है, बट वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए कि ये था सिर्फ कि कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स को किया इन्होंने रिजेक्ट और डायरेक्ट एक्शन इन्होंने ले लिया। देयरफॉर इट अचीव्ड इट्स चेरिश्ड गोल ऑफ पाकिस्तान। हेंस इनका जो गोल था, इनका जो ड्रीम था पाकिस्तान का, वो पूरा हो गया। ठीक है, अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। और आपको कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैक्सिमम सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती ही हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये तो आपको अच्छे से पता है करना क्या है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस
प्रेस कीजिए बेल आइकन को सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।